फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 की हिंदी के 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न हैं कि जो 2024 के बोर्ड के एग्जाम के लिए वायरल प्रश्न है। फ्रेंड्स, आपके बोर्ड के एग्जाम में 100% फ्रेंड्स आने वाले सभी सवाल लिए हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आप बोर्ड के एग्जाम में 70 नंबर के पेपर में 70 नंबर आपका आसानी से आ जाए। फ्रेंड्स, यदि आपका टारगेट है कि बोर्ड के एग्जाम में 95% लाने का, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको 95% आसानी से आपका नंबर आने वाला है। फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने पहला सवाल है। देखिए, ये आपके बोर्ड के एग्जाम जो 2023 हो चुका है उसमें यह प्रश्न आपका आ चुका है। देखिए, पहला प्रश्न जो बोर्ड के एग्जाम में आया था कौन सा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग या भारतेंदु युग। देखिए फ्रेंड्स, इनके नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पे शुक्ल होने की वजह से ये किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के ही लेखक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे आपको रटने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे शुक्ल लिखा है, ये किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के लेखक हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आपके सामने अगला नंबर का सवाल है। फ्रेंड्स, देखिए क्या है कि चिंतामणि के रचयिता हैं। फ्रेंड्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड के एग्जाम के लिए। ये प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। ऑप्शन क्या है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, जयशंकर प्रसाद हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है या प्रेमचंद्र हैं। तो फ्रेंड देखिए, आप चिंतामणि के बारे में पढ़े हैं, तो चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको बताए थे ये किस युग के लेखक हैं, तो शुक्ल युग के लेखक है। किस युग के लेखक है फ्रेंड्स? शुक्ल युग के। ठीक है, आप इसको भी साथ में याद रखिएगा। ये दोनों प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं, 2024 में भी यही प्रश्न आने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल है कि इंदुमती कहानी के लेखक हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे होंगे तो इसको देखे होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न लिए हैं आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए 2024 के लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ही आप सभी को करा रहे हैं। इस सीरीज को आप पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, देखिए क्या है, ऑप्शन इसका है चंद्रधर शर्मा गुलेरी होंगे, रामचंद्र शुक्ल होंगे, किशोरी लाल गोस्वामी, लाल भगवान दीन है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इंदुमती है, इंदुमती कहानी के जो लेखक है किशोरी लाल गोस्वामी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स, चौथा नंबर का। देखिए क्या है कि नमक का दरोगा, ठीक है, कहानी के लेखक है, VVI प्रश्न फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए क्या है आपका कि नमक का दरोगा के कहानीकारक है। ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार होंगे, जयशंकर प्रसाद होंगे, मुंशी प्रेमचंद्र या महादेवी वर्मा। तो फ्रेंड्स देखिए, नमक का दरोगा आप याद रखिएगा, इनके जो कहानीकारक के जो लेखक हैं वो कौन है फ्रेंड्स? मुंशी प्रेमचंद्र है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा। अगला सवाल फ्रेंड्स आपका है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये प्रश्न आपके 2023 में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्या है कि गबन की विधा है, यानी आपको बताना है कि जो गबन है वो क्या है, एक नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है या कहानी है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो गबन है आपका एक उपन्यास है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि गबन एक उपन्यास है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए आपके सामने ये छठवां नंबर का सवाल क्या है आपका कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। ध्रुव स्वामिनी, देखिए VVI जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स आप मिला लीजिएगा, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आपके बोर्ड के एग्जाम के इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वही प्रश्न करा भी रहे हैं आपको। देखिए क्या है, प्रेमचंद्र होंगे, हरिकृष्ण प्रेमी होंगे, जयशंकर प्रसाद होंगे या राम कुमार वर्मा होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्रुव स्वामी नाटक जो है इसके रचनाकार जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। अब चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है, सातवां नंबर का। देखिए ये आपके 2022 में, 2020 में, ठीक है, ये सभी प्रश्न कई हर बोर्ड के एग्जाम में याद
अरे आ चुका है, ठीक है। क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है? तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि क्या भूलूं क्या याद करूं, ये एक आत्मकथा है, कहानी होगा या नाटक होगा या एकांकी है। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर को आप पढ़े होंगे, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये एक आत्मकथा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सातवां का सही जवाब क्या होगा, ए, ना। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है फ्रेंड्स आपका, कलम का सिपाही। फ्रेंड्स इसको तो हम VBI कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। देखिए कलम का सिपाही कृति है, तो मतलब किसने लिखा है फ्रेंड्स, आपको बताना है कि धर्मवीर भारती, ठीक है, अज्ञेय की है, जैनेन्द्र कुमार की है या अमृत राय की है। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, जो कलम का सिपाही है इसे किसने लिखा था, तो अमृत राय। किसने लिखा है फ्रेंड्स, अमृत राय। तो इसका सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले नंबर का सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला नंबर का सवाल आपका क्या है, कलम का सिपाही की विधा। देखिए अभी तक कलम का सिपाही किसने लिखा है बताया है आपको, अब कलम का सिपाही की विधा आपको बताना है कि कौन सा है, क्या है आपका, ये एक संस्मरण है, रेखा चित्र है या जीवनी है या आत्मकथा है। ये दोनों प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार रिपीट होते रहते हैं, ये 2024 के पेपर में भी ये जरूर रिपीट होगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये कलम की सिपाही का विधा आपको ये विधा बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए आपका इसका सही जवाब क्या होगा कि एक जीवनी है, क्या है फ्रेंड्स, एक जीवनी है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा कि कलम का सिपाही की विधा क्या है, जीवनी है, ठीक है। अगला सवाल फ्रेंड्स आपका है दसवां नंबर का कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। ऑप्शन है कवि वचन सुधा है, उदंत मा पत्रिका है, समझदारी है या हरिश्चंद्र पत्रिका है। तो फ्रेंड देखिए इसका सही जवाब होगा उदंत पत्रिका। इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले नंबर के सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला नंबर का सवाल है, अब यहाँ से फ्रेंड्स हिंदी के ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको कराने वाले हैं। देखिए क्या है फ्रेंड्स, 11वां नंबर का हास्य रस का स्थायी भाव आपको बताना है। तो फ्रेंड देखिए आपके पेपर में दो रस जरूर पूछता है इसका स्थायी भाव, एक तो करुण रस पूछता है, एक पूछता है हास्य रस। इन दोनों का स्थायी भाव फ्रेंड्स आप जरूर जानिएगा। देखिए करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है, क्या होता है, शोक। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है, क्या होता है, हास। और ये 2023 के पेपर में फ्रेंड्स ये दोनों प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। इसका देखिए आपको यहाँ पे हास्य रस पूछा है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो ऑप्शन है रति, हास, निर्वेद या विस्मय। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा फ्रेंड्स, अभी बताएं, हास होता है, ठीक है। देखिए इसके नाम से ही इसको याद रख सकते हैं, हास्य रस का हास होता है, करुण माना दुख होता है, शोक होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, शोक होता है, ठीक है। और यही आपके पेपर में इन्हीं दोनों में से एक सवाल फिक्स है कि हर साल पूछता है। अगला नंबर सवाल आपका क्या है फ्रेंड्स, देखिए 12वां नंबर का अलंकार से देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है, ऑप्शन है आभूषण होगा, आकर्षण होगा, सौंदर्य होगा या प्रकृति। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा कि अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आपका आभूषण, क्या होता है, आभूषण, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स आपको अलंकार हुआ, ठीक है, रस हुआ, छंद हुआ, ये सब आप सभी को पढ़ा चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। आपका अगला नंबर का सवाल है यहाँ पे, देखिए 13वां नंबर का क्या है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। आपको यहाँ पे अलंकार बताना है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए आपको क्या है कि चरण कमल बंदो हरिराई, इसका ऑप्शन क्या है कि उपमा अलंकार होगा, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए जब चरण कमल बंदो हरिराई जब पूछेगा आपको तो इसको बताइएगा कौन सा अलंकार है, ये रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है फ्रेंड्स, तो रूपक। इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं आपका, अगला नंबर का सवाल है 14 नंबर का। देखिए क्या है कि छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, यानी छंद जब आप पढ़ते हैं तो बीच बीच में रुकते हैं तो उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो गति कहते हैं, यति कहते हैं, तुक कहते हैं या गढ़ कहते हैं। तो छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को फ्रेंड्स यति कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स। इसके अलावा आप याद रखिएगा जो सोरठा होता है, सोरठा, सोरठा में कितने चरण होते हैं, चरण के बारे में फ्रेंड्स आपसे पूछता रहता है, कितने चरण होते हैं, चार चरण होते हैं, इसको भी साथ में याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं आपके सामने, अगला नंबर का सवाल है
कि अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखिए फ्रेंड्स, आपको उपसर्ग के बारे में बताए हैं। देखिए क्या है कि उपसर्ग मतलब होता है कि किसी शब्द के या प्रारंभ में जुड़ता है, ठीक है। प्रारंभ यदि किसी शब्द के जुड़ा है तो उसे हम उपसर्ग कहेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे अधिग्रहण है ना, तो अधि को जब आप अलग अलग लिखेंगे तो लिखेंगे अधि। देखिए कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए तभी ये समझ में आएगा। अधि प्लस ग्रहण, क्या इसको अलग अलग लिखना रहेगा, तो अधि प्लस ग्रहण। ये देखिए ग्रहण में स्टार्टिंग प्रारंभ क्या जुड़ा है, अधि। ये जो अधि है आपका, यही क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा। तो इसमें उपसर्ग कौन सा जुड़ा है, अधि। इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 16वां नंबर का सवाल है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे क्या है, अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उपसर्ग अभी फ्रेंड्स आपको बताए हैं कि किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है। देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अनु होगा, ठीक है, प्लस ग्रह होगा। क्या होगा, अनु प्लस ग्रह। तो यहाँ पर देखिए शब्द के प्रारंभ में क्या जुड़ा है आपका, अनु जुड़ा है। इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 16वां नंबर का था। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है 17वां नंबर का। देखिए क्या है फ्रेंड्स कि महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय के प्रकार पर याद रखिएगा। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ये 2023 के पेपर में फ्रेंड्स आ चुका है कि प्रत्यय के कितने प्रकार हैं, तो प्रत्यय के दो प्रकार हैं, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, प्रत्यय जो होता है किसी शब्द के अंत में जुड़ता है। कहाँ पर जुड़ता है, कोई भी शब्द होता है तो उसके अंत में जो जुड़ा होता है वही आपका क्या होता है, प्रत्यय होता है। समझ में आ गया। देखिए महानता का संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए महा क्या होगा, महान प्लस ता, क्या होगा, महान प्लस ता। तो देखिए इसके शब्द के अंत में क्या जुड़ा है, ता जुड़ा है ना, इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है 18वां नंबर का। देखिए क्या है कि भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। आपको यहाँ पे बताना है कि जो भलाई है इसमें कौन सा प्रत्यय है। देखिए फ्रेंड्स इसके लास्ट में क्या जुड़ा है आपका, ई जुड़ा है ना, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 18वां का ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको अभी समय समझाएं प्रत्यय के बारे में, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल 19 नंबर का है कि हानि लाभ में समास है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन है द्वंद। देखिए फ्रेंड्स द्वंद ऐसे लिखा है, ठीक है, द्वंद, ये है आपका द्वंद, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा है कि हानि लाभ में समास है। देखिए फ्रेंड्स जब इस तरह करके आता है ना, हानि लाभ इस तरह बीच में डैश टाइप होता है, तो ये आपका हमेशा याद रखिए कि ये बताता है आपका द्वंद समास। कौन सा समास, द्वंद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हानि लाभ में कौन सा समास है आपका, द्वंद समास है। अगला सवाल फ्रेंड्स आप देखिए 20वां नंबर का है कि पंचवटी में कौन सा समास है। आपको पंचवटी में बताना है कि समास क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे इसको आप समझिए पहले कि पंचवटी में समास क्या हो, इसका विग्रह करेंगे, मतलब करेंगे तो ये क्या होगा, पांच वटों का समूह। क्या होगा, पांच वटों का, पांच वटों का समूह, इसका मतलब ये होता है पांच वटों का समूह। इसमें देखिए स्टार्टिंग क्या रहा है, पांच, जब संख्या आता है फ्रेंड्स तो वहां पे आपका द्विगु समास होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स द्विगु इस प्रकार से है ना, द्विगु, ठीक है, इस प्रकार से ये पंचवटी में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगले नंबर का सवाल है 21 नंबर का कि खीर का तत्सम रूप है। देखिए फ्रेंड्स तत्सम का मतलब होता है शुद्ध रूप। तत्सम का मतलब क्या होता है, शुद्ध, ठीक है। यहाँ पे खीर का जब देखेंगे शुद्ध रूप, ऑप्शन है छोर होगा, खीर होगा, छीर होगा या खीन होगा। तो फ्रेंड देखिए खीर का तत्सम रूप होता है छीर। क्या होता है, छीर होता है, छीर ना। इसका सही जवाब बी वाला होगा, इसको याद रखिएगा आप। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स 22वां नंबर का। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से गंगा का पारिवाची नहीं है। आपको इसमें बताना है कि गंगा का पारिवाची कौन सा नहीं है। ऑप्शन है भागीरथी, कालिंदी, सरसरिता, देवनदी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे गंगा की जो पारिवाची है आपका भागीरथी है, सरसरिता है और देवनदी है, जबकि कालिंदी जो होता है गंगा की पारिवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अगला सवाल आपका है 23वां नंबर का। यहाँ पे पूछा है कि पक्षी का पारिवाची है ना, पक्षी का पारिवाची आपको बताना है। ऑप्शन है खग होगा, बादल, पयोद, जलज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे आपसे कहा है कि पक्षी का पारिवाची कौन सा होगा, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए वाला, ठीक है। तो पक्षी का पारिवाची खग आप याद रखिएगा। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स 24 नंबर का। देखिए क्या है
कि प्रत्येक में कौन सी संधि होगा। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि जो प्रत्येक है इसमें संधि कौन सा होगा, तो ऑप्शन है गुण संधि होगा, यण संधि होगा, वृद्धि संधि होगा, ये इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए प्रत्येक में जो होता है आपका यण संधि होता है, कौन सा संधि होता है फ्रेंड्स, यण संधि। इसका सही जवाब 24 का कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक में कौन सा संधि होगा फ्रेंड्स, बी वाला सही होगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर का सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला नंबर का सवाल आपका क्या है, 25वां नंबर का, हस्ती शब्द का पुरुष एवं वचन है, यानी हस्ती जो होता है उसमें बताना है कि उसमें कौन सा पुरुष होगा और कौन सा वचन होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन देखिए क्या दिया है कि मध्यम पुरुष द्विवचन होगा, उत्तम पुरुष एक वचन होगा, प्रथम पुरुष एक वचन, या ये सभी होगा। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा कि हस्ती जो होता है उसमें प्रथम पुरुष एक वचन होता है, कौन सा होता है, प्रथम पुरुष एक वचन। इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आपके 25 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास अधिक से अधिक फ्रेंड्स शेयर करें।